अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए रियाद का लेक पार्क, अल हायर लेक पार्क। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए, और फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करिए। थैंक यू। बरोई बरोई आप बरोई भाड़ा हो रहा भाई, कितना कर रहा है बोरोई भर रहा है। ओ भाई बोरोई भर रहा है। ये हम सुट्टा का उधर बेड़ी है, इसको कलेक्ट करना पड़ेगा आज। ये डेड स्नेक कलेक्ट किया है, बेड़ी कलेक्ट करेंगे और करो और 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 ये कुबा किधर हो रहा है भाई। बोगरी परिया से बे बोगरी परिया से दरअसल ये वीडियो रमज़ान से दो दिन पहले का है, तो आज तक कभी भी यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने के लिए कहीं पे गया भी नहीं, बस इत्तेफाक से कहीं चले गए घूमने के लिए, तो मोबाइल तो साथ में रहता है, वीडियो शूट कर लेते, तो आप लोगों से भी शेयर कर देते। यह अल हायर लेक पार्क है रियाद, अल हायर लेक पार्क, और ये बहुत बड़ा पानी का डैम बना हुआ है। इतना अंधेरा था इसलिए मैं मोबाइल का लाइट से पता हुआ इतना जगह पर, बहुत बड़ा एरिया है ये, मतलब इतना बड़ा पानी का डैम सऊदी अरब में मैंने कभी भी देखा भी नहीं। लेकिन दिन में तो कभी भी घूमने के लिए जाते नहीं, मैं तो आप लोगों को दिखाता था। और बहुत बड़ा बड़ा मच्छी भी है, लेकिन मच्छी अंधेरा में दिखाई नहीं दे रहा है, तो मोबाइल का लाइट से दिखाई देता था, बहुत बड़ा बड़ा मच्छी है। इंशाल्लाह अगर कभी जाऊंगा दिन में इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत खूबसूरत एरिया है, नया अंडर कंस्ट्रक्शन है एरिया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जाने से। और ज़्यादातर गल्फ़ कंट्रीज़ में सब लोग रात को ही जाते हैं घूमने के लिए, क्योंकि दिन में टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। हेलो, हाउ आर यू कैट? हेलो कैट, हाउ आर यू? ये कामों ने दिखा।